भारती व्यास एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा होनहार व्यक्तित्व जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी भारती व्यास अपने समय में आकाशवाणी की बेहतरीन अनाउंसर होने के साथ ही साथ लेखिका, गायिका, रेडियो रंगमंच अभिनेत्री और फिल्म निर्मात्री भी रहीं। उनका जीवन अनेक पड़ाव से होकर गुजरा। हर पड़ाव पर उन्होंने खुद को औरों से अलग और बेहतर साबित किया। सन 1947 ईस्वी में जब भारतीय नागरिक देश के बंटवारे से उपजी विस्थापना के दर्द से गुजर रहे थे, जब हजारों की संख्या में भारतीय शरणार्थियों के काफिले पाकिस्तानी क्षेत्र से निकलकर भारतीय क्षेत्र में आने पर मजबूर हुए, तब उन्हीं शरणार्थियों के बीच विस्थापना का दर्द लिए एक 11 साल की बच्ची भी अपना घर, अपने खिलौने, अपने बचपन की यादें छोड़ हिंदुस्तान के शरणार्थी शिविर में आने को मजबूर हो गई थी। नाम था भारती व्यास। भारती अपने माता पिता, दो बड़े भाई और एक छोटी बहन के साथ कराची से आकर गुजरात के राजकोट शहर में बस गई थी। पिता नागेंद्र व्यास स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। माता दुर्गाबेन व्यास लेबर वेलफेयर बोर्ड में कार्यरत थीं। भारती और उनके भाई बहनों की शिक्षा दीक्षा राजकोट शहर में ही पूरी हुई। बचपन से ही भारती व्यास को गाने का शौक था। कॉलेज में भारती व्यास के सहपाठी ग्रुप बनाकर समय समय पर अभिनय तथा संगीत का प्रोग्राम पेश करते थे। ये सारे विद्यार्थी एनसीसी कैडेट से थे। तब स्टेज पर प्रोग्राम की उद्घोषणा भारती व्यास ही करती थी। अपने गीतों की उद्घोषणा भी वो खुद ही किया करती थी। उन्होंने सही समय पर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, साथ ही साथ शास्त्रीय गायन में विशारद की डिग्री भी हासिल कर ली। मगर तालीम का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हिंदी में कोविद यानी कि स्नातक की परीक्षा भी पास की। सौभाग्य और लगन से 1957 में आकाशवाणी राजकोट में उन्हें उद्घोषिका यानी कि अनाउंसर की नौकरी भी मिल गई और वो रेडियो कार्यक्रमों की उद्घोषणा करने लगी। वहीं पर उनकी मुलाकात गुजराती के मशहूर लोक गीत गायक हेमू गढ़वी से हुई, जो सन 1955 ईस्वी से ही आकाशवाणी राजकोट में कार्यरत थे। वो भारती व्यास से 2 साल सीनियर थे। भारती व्यास की आवाज़ में हेमू को एक अनोखी मिठास का एहसास हुआ और यहीं से भारती व्यास के जीवन को एक नया आयाम मिला। हेमू गढ़वी ने भारती व्यास को अपने ग्रुप में बतौर लोक गीत गायिका शामिल कर लिया और भारती व्यास शास्त्रीय गायन छोड़कर लोक गीत गायिका बन गई। देखते ही देखते पूरे गुजरात में उन्हें लोक गीत गायिका के रूप में पहचाना जाने लगा। भारती व्यास और हेमू गढ़वी दोनों जगह जगह लोक गीत गायन के प्रोग्राम प्रस्तुत करने लगे। उस समय आकाशवाणी राजकोट द्वारा समय समय पर लोक कथाओं पर आधारित रेडियो नाटक भी प्रस्तुत किया जाता था, जिनमें काम करके भारती व्यास अभिनेत्री के रूप में भी काफी चर्चित हो गईं। इनमें से अधिकांश नाटकों का लेखन हेमू गढ़वी ने ही किया था। इन नाटकों में प्रमुख है कबड़ा सासरिया, रा खेंगार और राणक देवी। हेमू गढ़वी की पत्नी हरी बाबेन भारती व्यास को अपने परिवार का सदस्य मानती थी और भारती से अपना दुख दर्द साझा किया करती थी। रेडियो नाटकों के साथ ही साथ भारती व्यास रंगमंच पर भी अपने अभिनय के लिए काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। उनका एक रंगमंच नाटक शीतल ने कांठे काफी मशहूर हुआ। यह नाटक आगे चलकर बम्बई में सन 1957 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रस्तुतिकरण से पहले एक परेशानी खड़ी हुई। भारती व्यास का गला बैठ गया। सब लोग चिंतित हो गए कि ऐसी हालत में नाटक कैसे प्रस्तुत किया जाए, मगर भारती व्यास ने सबको आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने घाटकोपर में रह रहे अपने मुंह बोले भाई डॉक्टर नवीन पारिख को फोन पर अपनी तकलीफ बताई। डॉक्टर नवीन तुरंत कालबा देवी में ठहरी भारती व्यास के पास गए और चेकअप करके दवाई दी। 2 दिन बाद नाटक का मंचन था। दवा ने अपना काम किया और भारती व्यास का गला बिल्कुल ठीक हो गया। नाटक सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। इस घटना से भारती व्यास के आत्मविश्वास का पता चलता है। इसी दौरान एक और नाटक प्रेमल ज्योत ने भी काफी प्रसिद्धि पाई थी। 1956 में मंचित इस नाटक में भारती व्यास ने एक वृद्धा की भूमिका निभाई थी। लोकप्रियता का ये काफिला यहीं नहीं रुका। सन 1960-61 में कोलंबिया रिकॉर्ड कंपनी ने भारती व्यास की आवाज में कई गुजराती लोकगीत रिकॉर्ड किए, जिनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीत रहा काली ते कोयल, शब्दे सुहामणी, हालो ना कोयल अपने देश मां और भोला भाला शंभू तमने विश्व बखाने। काली ते कोयल शब्दे सुहामणी हालो ने
भोला भोला शंभु तमने श्रीष्म वखाणे भोला भोला शंभु तमने श्रीष्म वखाणे मुनी पासो तुम्हारी कोई न जाने भोला भोला शंभु। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता। सन 1962 में अचानक हेमूगढ़ भी बीमार पड़े और चल बसे, एक शून्य सा व्याप्त हो गया। लेकिन शुक्र है, तब तक उनके दोनों बेटे बिहारी दान गढ़वी और जीतू दान गढ़वी गायक के रूप में स्थापित हो चुके थे। बहरहाल आकाशवाणी राजकोट उन दिनों हर वर्ष गुजरात के द्वारकापुरी के कृष्ण मंदिर के गर्भगृह से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण कार्यक्रम का आंखों देखा हाल प्रसारित करता था और उसकी भी आवाज़ बनी भारती व्यास। आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में भारती व्यास को सन 1965 में उद्घाटन समारोह के लिए दिल्ली जाना पड़ा, जहां उस समय देश की सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी मौजूद थीं। भारती व्यास अब तक रेडियो उद्घोषिका के रूप में फौजी भाइयों के बीच भी एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थीं। सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान आकाशवाणी राजकोट में फौजी भाइयों के लिए जय भारती के नाम से गीतों का प्रोग्राम शुरू किया गया, जो आगे चलकर बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम हो गया। फौजी भाइयों के अनगिनत खत भारती व्यास के नाम से आकाशवाणी राजकोट के पते पर आते थे। इन सभी का प्रोग्राम के दौरान अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर भारती व्यास सम्मानपूर्वक जवाब देती थी। आकाशवाणी राजकोट से समय समय पर समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों के साक्षात्कार प्रसारित किए जाते थे। ऐसे ही हिंदी फिल्मों की मशहूर स्टार कलाकार रेहाना सुल्तान का इंटरव्यू भारती व्यास ने लिया, जिसे आकाशवाणी राजकोट ने सन 1972 में प्रसारित किया था। यह समय आकाशवाणी राजकोट का स्वर्णकाल माना जाता है। इन्हीं सबके बीच सन 1974 के मार्च में भारती व्यास का ट्रांसफर आकाशवाणी मुंबई के विविध भारती सर्विस में हो गया, जहां से सारे प्रोग्राम पूरे देश में हिंदी में प्रसारित किए जाते हैं। विविध भारती के स्टूडियो में प्रसारण हेतु प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान प्रोग्राम इंचार्ज श्री शोभनाथ संतप्त ने भारती व्यास का परिचय रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक देव और प्रस्तुति सहायक राजेंद्र गुप्ता संजय से कराया। इन तीनों की सहायता से विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत, आपकी फरमाइश, फौजी भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम जयमाला रिकॉर्ड होकर पूरे देश में प्रसारित होने लगे। इस तरह भारती व्यास की लोकप्रियता गुजरात की सीमा से निकलकर पूरे देश में फैल गई। फिल्मी हस्तियों से मुलाकात भी भारती व्यास की आवाज़ में रिकॉर्ड होने लगी, जिसमें प्रमुख है फिल्म अभिनेता अभि भट्टाचार्य, गायिका चंद्रानी मुखर्जी आदि। सन 1978 में भारती व्यास को दक्षिण अफ्रीका स्थित केन्या देश जाने का भी मौका मिला, जो यादगार बना। दरअसल वहां बोमास में नैरोबी स्थित लायंस क्लब ने 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच नवरात्रि त्यौहार के दौरान गरबा गाने के लिए निमंत्रण भेजा था। यह प्रोग्राम शानदार तरीके से सफल रहा। भारत लौटने पर सभी सिंगर्स और म्यूजिशियन का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। भारती व्यास एक मंझी हुई राइटर भी थीं। उनके लेख कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। इसी बीच इंडिया बुक हाउस ने बच्चों के लिए अमर चित्रकथा सीरीज के अंतर्गत भारती व्यास के दो कथा चित्र रौनक देवी और होथल प्रकाशित किए, जो अंग्रेजी और हिंदी के साथ ही साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित किए गए। इसी बीच सन 1977 में रिकॉर्डिंग कंपनी हिज मास्टर वॉइस यानी कि HMV ने उनकी मातृभाषा में गुजराती लग्न गीतों अर्थात विवाह गीतों का लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड यानी कि LP रिकॉर्ड मार्केट में उतारा, जिसने आशातीत सफलता हासिल की। उस रिकॉर्ड को तोड़ पाना अब तक भी किसी से संभव नहीं हो पाया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगले साल 1978 में एम्पल आर्ट इंटरनेशनल की गुजराती फिल्म परनेतर के लिए भी गीत गाया। इसी साल 1978 में इंडिया बुक हाउस ने गुजराती आदि कवि नरसिंह मेहता के जीवन पर आधारित संगीत नाटिका नरसिंह मेहता का कैसेट बाजार में उतारा, जिसका स्क्रिप्ट लेखन, निर्देशन और अभिनय भारती व्यास ने किया और संगीत भी दिया। संगीत में उनके साथ थे मुगट लाल जोशी। सन 1979 में हिंदी फीचर फिल्म भारत की संतान के लिए गीत गाया, साथ में सहगायिका थीं
चंद्रानी मुखर्जी, दिलराज कौर और सुमित्रा लाहिरी। इसी बीच सन 1979 में भारती व्यास और सहकर्मी लेखक व कवि राजेंद्र गुप्ता संजय दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। विवाह समारोह में हिंदी और गुजराती फिल्मी दुनिया, रंगमंच और रेडियो प्रसारण की कई हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख हैं उपेंद्र त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी, लिली पटेल, अरविंद बेकरिया, चंद्रानी मुखर्जी, अभी भट्टाचार्य और अमर चित्र कथा पत्रिका के संपादक अनंत पई। सन 1980 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करने के बाद भारती व्यास आकाशवाणी मुंबई के गुजराती विभाग की इंचार्ज बना दी गईं। कुछ समय के बाद उनका तबादला आकाशवाणी बड़ौदा हो गया, जहां सन 1988 में राष्ट्रपति की दांडी यात्रा के दौरान मुस्तैदी से रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी श्री आर के भटनागर ने उन्हें प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। अगले साल 1989 में मुंबई स्थित ठाणे व्यापारी महामंडल ने भी 12 मार्च के दिन आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया। सन 1990 में उनका ट्रांसफर आकाशवाणी मुंबई के विक्रय एकांश में सहायक स्टेशन डायरेक्टर के पद पे हो गया और 5 साल बाद 1995 में भारती व्यास वहीं से रिटायर हो गईं। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक संस्था ABI अर्थात अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ने सन 2000 में वुमन ऑफ द ईयर सीरीज के लिए उन्हें पत्र लिखकर वुमन ऑफ द ईयर का खिताब ऑफर किया, जिसे भारती जी ने निजी कारणों से स्वीकार नहीं किया। बाद में सन 2006 में विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्रीय विक्रय एकांश ने प्रशंसा रूप में उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए। सन 2014 में प्रसिद्ध नाटककार भरत याग्निक, रेणु याग्निक तथा राजू याग्निक ने अपनी पुस्तक श्रोता देवो भव का लोकार्पण समारोह राजकोट में आयोजित किया। इस अवसर पर पूज्य मुरारी बापू के हाथों भारती व्यास को सम्मानित किया गया। सन 2016 में हेमू गढ़वी ट्रस्ट याद हेमू आवशे द्वारा राजकोट में उनकी 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान गुजरात राज्य की तात्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल तथा स्वर्गीय हेमू गढ़वी की पत्नी हरिबा हेमू गढ़वी के हाथों संयुक्त रूप से भारती व्यास को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारती व्यास ने सन 1980 के दशक में अपने पति डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता संजय की राजेंद्र फिल्म्स के बैनर तले गुजरात राज्य माहिती नियामक के लिए भी 2 फिल्में बनाई, जिनमें एक था नहीं नहीं और दूसरा था महादान। फिल्म नहीं नहीं दहेज प्रथा पर आधारित थी, जबकि महादान रक्तदान पर आधारित थी। सन 2019 में भारती व्यास ने अपने पति डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता संजय के साथ मिलकर हिंदी फीचर फिल्म वो जो था एक मसीहा मौलाना आजाद का निर्माण किया, जिसे बाद में 26 से 28 अगस्त 2019 को जयपुर राजस्थान में आयोजित 16th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर ने बेस्ट टॉप 3रा पुरस्कार से सम्मानित किया और प्रशंसा पत्र भी जारी किया। इस फिल्म वो जो था एक मसीहा मौलाना आजाद को 26 दिसंबर 2020 में बेतिया शहर में आयोजित बेतिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले यानी पटकथा पुरस्कार से सम्मानित कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस फिल्म के प्रचार कार्य के दौरान सन 2019 में मुंबई, पुणे, दिल्ली और कलकत्ता में प्रोग्राम आयोजित किए गए, जहां पत्रकारों के अलावा आम लोग भी भारी तादाद में उपस्थित थे। सारा जीवन सतत कार्यशील रहीं और कुशलता से हर कर्तव्य का निर्वहन करती हुई भारती व्यास गुप्ता ने सफलता के अनेक सोपान देखे, लेकिन विधाता का नियम है कि सारा दिन चमकता हुआ सूर्य भी आखिर शाम को ढलने पर मजबूर हो जाता है। भारती जी के जीवन की भी ऐसी ही एक शाम परमात्मा ने निश्चित कर दी थी। 6 अप्रैल 2020 को सवेरे उठते समय वो बिस्तर पर से फिसल कर गिर पड़ी। उनके मुख से सिर्फ एक वाक्य निकला, संजय मैं गिर गई हूँ, और इतना कहते ही वो कोमा में चली गई। 20 दिनों तक कोमा में रहने के बाद 26 अप्रैल 2020 अक्षय तृतीया के दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हरदम हंसते मुस्कुराते रहने वाली मुखर स्वभाव वाली भारती व्यास ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। ईश्वर उनकी पवित्र पुनित आत्मा को पूर्णता प्रदान करें।
3 मई 2022 को अक्षय तृतीया के दिन भारती व्यास की दूसरी पुण्यतिथि राजकोट में मनाई गई, जिसमें शहर के पुराने नामचीन परिचितों ने उनके बारे में अपने उद्गार प्रकट किए। राजकोट के हेमू गढ़वी हॉल में आयोजित इस प्रोग्राम का संचालन लोक गीत गायक हेमू गढ़वी के बेटे राजेंद्र हेमू गढ़वी ने किया। डियर भा, सुश्री भारतीबेन व्यास गुप्ता ना जीवन अने कवन ने समर्पित पुस्तक के जेनु विमोचन आजे थनार छे अने आ विमोचन समारोह मा पधारेला आप सौ प्रेक्षकों मानवंता मेहमानों हूँ राजेंद्र हेमू गढ़वी हृदयपूर्वक स्वागत करूँ छू। भारती बहन नो अवाज ए प्रसारण ना माध्यम थी आपने प्राप्त थयेलो छे, केम आपणे एमना अवाज साथे ज शुरुआत न करिए? रेडियो नाटक राख हेंगार का रंगमंच रूपांतरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारती व्यास की आवाज रानक देवी के पात्र में सुनाई दी। रानक देवी पधारो, पाटण पति मान भेर तुमने पाटण तेड़वायो छे। रानक नी नजर मां सिद्धराज सिंगार नी नोजरी बराबर। रानक, अपमान सहन करवा हूं कभी सेवायलो नथी। संभाळो। ओ दूसरा दूसरा कोणे आप भोगा पारेवा ऊपर घा करयो? मैं घा करू मारा बिहारी दान गढ़वी और जीतू कविदाद ने गुजराती लोक गीतों से दर्शकों का मनोरंजन किया। વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહીં રે આવું મારું, વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહીં રે આવું, कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों में प्रसिद्ध नाटककार भरत याग्निक को सभापति मनोनीत किया गया। उनकी अगुवाई में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात भारती व्यास के व्यक्तित्व पर विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तक डियर भा का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। इसके बाद मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों ने भारती व्यास गुप्ता के बारे में एक एक करके अपने उद्गार व्यक्त किए। हमारी महफिल में आए, हम धन्य हुए, आपने हमें इतना सम्मान दिया, हम धन्य हुए। मनिकान वक्ता हमेशा अकेला होता है, लेकिन श्रोता की शक्ति उसके पास जब होती है तो अपने आप को बहुत बलवान महसूस करता है, और इसलिए वो उसी बल पे अकेला ही आगे बढ़ता जाता है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही मजबूत शक्ति है, जिसे हम अभी श्रोता कहेंगे। वो आगे बढ़ता जाता है। एक जो व्यक्ति जिसके बारे में हम आज
मिले हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसका नाम है भारती व्यास। यहाँ से उनको निमंत्रण मिला साउथ अफ्रीका से। नवरात्रि के दौरान 9-10 दिनों तक वो साउथ अफ्रीका में गाती रहीं। पेचिम भी ने उनके आवाज़ में मैरिज सॉन्ग, विवाह गीत रिकॉर्ड किया, LP जिसका था। उस LP का आज तक कोई जोड़ नहीं है, किसी दूसरी कंपनी ने कोई रिकॉर्ड नहीं निकाला जो उसको मात कर सके। यहाँ भी उनको लगा कि मैं और भी क्या आगे जा सकती हूँ, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। विवाह बहुत अच्छी चीज़ है हमारे समाज में, लेकिन दहेज एक शाप है। उन्होंने इस दहेज के खिलाफ फिल्म बनाई, नहीं नहीं करके। इसके बाद उन्होंने रक्तदान के ऊपर भी लोगों को प्रेरित किया और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई महादान। और सचमुच में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, क्योंकि ये जीवन देता है। इस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण किया, और वो भी ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी, ये फिल्म थी हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। और इस फिल्म का नाम था वो जो था एक मसीहा मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद जो गांधी जी के दाहिने हाथ माने जाते थे, और जो सच्चे रूप में हिंदू मुस्लिम को एक करने का बहुत प्रयास किया अपने जीवन में। उपस्थित अतिथियों को भी पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। गुप्ता परिवार तरफ से आज रोज स्वर्गस्थ भारतीबेन ने श्रद्धांजलि आपवा माटे तथा તેમના પુસ્તક જે બહાર પાડવામાં આવેલ છે ડિયર ભા તેનું આજે જે વિમોચન છે તેમાં અમોને અહીં બોલાવેલ તે બદલ હું વ્યાસ પરિવાર વતી તેમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। છેલ્લે તેઓ જ્યારે 2015-16માં રાજકોટમાં રાજેન્દ્રભાઈ સાહેબ સાથે આવેલા ત્યારે પણ અમારા ઘરે 3-4 કલાક રોકાણ હતા અને જૂના સંસ્મરણો તાજા કર્યા હતા। તે ભારતીબેનના કુટુંબ માટે તો ગૌરવની વાત છે, પણ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે। ભારતીબેન વિશે ઘણું કહેવાયું છે। ભારતીબેનના સગા મોટાભાઈ મહેન્દ્રભાઈ વ્યાસ જાણીતા પત્રકાર, એના દીકરા સુધીર, ચેતન, દીપ્તિ અને રૂચિ એ ભારતી ફેબાને ભા કહીને બોલાવતા। 57માં ભારતીબેન ત્યાં આકાશવાણીમાં જોડાયા। ભારતીબેન અમને બાલસભામાં આકાશવાણીનો સ્ટુડિયો દેખાડવા લઈ ગયા। એ ચિત્ર અત્યારે પણ માનસપટ ઉપર રમે। આકાશવાણી કા યે રાજકોટ કેન્દ્ર હૈ, પ્રસ્તુત હૈ કાર્યક્રમ જય ભારતી। ઓર बिहाफ ऑफ भारती व्यास भरत याज्ञिक की ओर से सलाम। आ कार्यक्रम अमे साथे वर्ष सुधी कर्यो। जय भारती। भारतीबेन साथे मीडिया ने मीडिया साथे भारतीबेन परिवार आकाशवाणी समाचार आपे छे। आ समाचार आपने चंद्रकांत व्यास सांभळाजे। भारतीबेन ना सग्गा भाई आकाशवाणी दिल्ली थी न्यूज रीडर हता। હું જ્યારે આકાશવાણીમાં જોડાયો 1961માં, ભારતીબેન લઈ ગયા સ્ટુડિયોમાં અને વાતો શરૂ કરી, અને ટેપ જોતા જાય, રેકોર્ડ જોતા જાય। બીજે દિવસે ભારતીબેન વ્યાસ સવારે 7-9 અમે સાથે સત્સંગ કર્યો, અને એ 2 કલાકના સત્સંગમાં લગભગ 1.5 કલાક મારી સાથે ભારતીબેન બોલ્યા, હું 1.5 કલાક પણ નહોતો બોલ્યો। આટલા વાચાળ, ખુલ્લા મનના, બિલકુલ ઉદાર, આ બહુ બોલકા ભારતીબેન। એમને એકને જ અધિકાર હતો આકાશવાણીમાં મને ભરતો કહીને બોલાવવાનો। આપણે જેમ ડિયર ભા કહે છે ને, એમ મને ડિયર ભરતા આ સંબોધન કરતા। એના ઉપરથી આપ સમજી શકો છો કે અમારી આત્મીયતા કેટલી નિકટ હતી।
અને એક કામ નિયતિએ કરવાનું હતું, રાજેન્દ્ર સંજય નામની વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત કરાવવાનું. ભારતીબેનને ખબર નહોતી. ભારતીબેન ત્યાં ગયા, એમના પરિચયમાં આવ્યા. સંજય એમનું ઉપનામ છે, પણ નિયતિ માણસને ક્યાંથી ક્યાં શું કામ લઈ જાય છે એ રાજેન્દ્ર સંજય નામના એક લેખક અને એક નાટ્યકાર, સર્જક, ગીતકાર, ગાયિકા એવા ભારતીબેન, આ બધાનું એક સુભગ મિલન આજે આપણે આ અવસરે માણી રહ્યા છીએ. આજે ભારતીબેન આપણી વચ્ચે નથી. અફસોસ, માત્ર એમને જ નહીં, આકાશવાણી સાથે જોડાયેલા તમામને, એમાં અમે જેમણે સાથે કામ કર્યું છે. 2012માં મેં મારું પુસ્તક વિમોચિત કરાવેલું બાપુ પાસે, શ્રોતા દેવો ભવ, મારી પ્રસારણ યાત્રાની આત્મકથા. ત્યારે 5 ઉદ્ઘોષકોનું મેં બાપુના હાથે સન્માન કરાવેલું. એમાં પહેલા હતા ભારતીબેન, મુંબઈથી બોલાવેલા. આજે પણ જોગ સંજોગ છે, પણ આપણી કોઈ વ્યથા નથી. આપણે આનંદ માટે મળ્યા છીએ, એક આનંદની સ્મૃતિ માટે મળ્યા છીએ કે ડિયર ભા નામની એક રાજકોટથી સર્જન જેની યાત્રા શરૂ થઈ અને મુંબઈ, આફ્રિકા ક્યાં ક્યાં સુધી પહોંચી, અને એ પહોંચાડવાનો યશ રાજેન્દ્ર સંજયને મળે છે. આલોકનાથ એમના દીકરાને મળે છે, એમના દીકરાઓ છે, એટલે પૌત્ર પૌત્રીઓ સુધી ડિયર ભા પહોંચ્યા. અતીતનું એક સુવર્ણ પુરુષ આજે વર્તમાનમાં જીવંત થઈ રહ્યું છે, છતાં પણ જે એક શરૂઆત છે, જે પિયરનો મોહ છે, એ ક્યારેય છૂટતો નથી સ્ત્રીઓથી. અને ભારતીબેને પણ સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડ સાથેનો નાતો હંમેશા અનામત રાખ્યો, અને એ નાતાને યાદ કરતા આજે સંજીભાઈએ રાજકોટમાં આ કાર્યક્રમ યોજ્યો છે. એ ખરેખર ખૂબ મોટી અને આનંદની વાત છે કે તેમણે તેમનો નાતો રાજકોટ સાથેનો ભારતીબેનની હયાતી નથી છતાં પણ અનામત રાખ્યો છે. એટલે આ વાત ખૂબ આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. અને આજે સંજયભાઈએ જ્યારે એ પ્રયત્ન કર્યો છે એ વધારે સરાહનીય છે. તો સંજયભાઈને ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણે સૌને પણ આજે ભારતીબેનને યાદ કર્યા, હેમુભાઈને યાદ કર્યા, તો આ લોકોને આપણે હંમેશા જીવંત જ રાખીએ અને આગલી પેઢીને આ વારસો આપીએ. આજે સંજયજી, સિન્સ યુ હેવ મેડ ધીસ વેરી એપ્રિશિએટેબલ એફર્ટ ઓફ રિમેમ્બરિંગ ભારતીજી ઇન હર ઓન નેટિવ પ્લેસ, આઈ હેવ અ સ્મોલ મોમેન્ટો ફોર યુ. સો વેન યુ ગો બેક યુ વિલ ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ ઇવેન્ટ એન્ડ આકાશવાણી રાજકોટ એન્ડ ધ વે દેટ વી મેટ. इसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता संजय को आकाशवाणी राजकोट की तरफ से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों द्वारा पुस्तक डियर भा का विमोचन किया गया. मुंबई में भी नामचीन परिचितों ने उनके बारे में अपने उद्गार व्यक्त किए. ऑल इंडिया रेडियो और टीवी में, ऑल इंडिया रेडियो में हम लोगों को फेमस किया भारतीबेन ने. उन्होंने मेरा ऑडिशन लेके मैं वहाँ एंट्री करवाई ऑल इंडिया रेडियो पे. भारती बहन जिसने मेरे को बरंगली बनाई. कभी कभी हमारे वहाँ कोई आर्टिस्ट नहीं आता था तो वो सीधी आके बोलती थी, वो गाना भी गा लेती थी, करेक्ट भी कर लेती थी. और मैं तो कभी कभी लड़ती थी कि नहीं ये सेंटेंस में कर खलत वापस है, टेक करो वापस. अरे लीली मैं काट दूंगी, डोंट वरी. इस तरह से हम लोगों को करेक्ट भी करती थी सेंटेंस को, और जो गलत बोलते थे वो एडिट भी कर देती थी और सब डिलीट करके अच्छा सा परफॉर्म करके रखती थी. जितनी इसको तो मैं मेरी बहन मानू या माँ मानू, कुछ भी मानू, ऑल इंडिया रेडियो के लिए कम था. इसने तो मेरी लाइफ में रंगली जो बनी हूँ ऑल इंडिया रेडियो से और स्टेज पर से, एक क्रेडिट गोज टू भारती बहन. इनके लिए मैं जितना बोलूँ इतना कम है. भारती जी के साथ पहली मुलाकात बताना चाहूंगा. मैं एक ड्रामा कर रहा था तब, गुजराती तमस नाम का. उसमें मेरे साथ जो एक को आर्टिस्ट था निहार ठक्कर करके, उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना आजाद के ऊपर एक फिल्म बन रही है और उसके लिए कास्टिंग चल रहा है, तो उसमें एक
मोहम्मद अली जिन्ना का कैरेक्टर है, तो ये नंबर दे रहा हूँ आपको, तुम फोन करके उनको जाके मिल जाओ। बुरा ठीक है, मैंने कॉल किया, उन्होंने उनके घर पर बुलाया तो वहीं पे भारती व्यास भी थी। उनको पता चला कि मैं गुजराती थिएटर से हूँ, तो गुजराती में ही बातें शुरू हो गई, बहुत अच्छी बातचीत शुरू हुई। किधर काम करते हो, फिर वो जो गुजराती कलाकारों को जानती थी उनके बारे में मुझे पूछने लगी। और मैं गया था जिन्हा का कैरेक्टर करने के लिए, पर राजेंद्र गुप्ता जी और भारती व्यास जी मेरे साथ बात करते थे और अंदर अंदर एक दूसरे को देखते थे। बातें शुरू हुई, सब चलते चलते फिर उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आप भाई जिन्हा के लिए तो फिट नहीं लग रहे हो। बोला ठीक है। फिर उतने में मुझे बताया कि नहीं नहीं रुकिए, हम जो मौलाना आज़ाद के ऊपर फिल्म बना रहे हैं तो आप मौलाना के लिए हमें फिट लग रहे हैं। और मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं बहुत ही आनंदित हो गया। रोल के लिए मैं वर्कशॉप करने के लिए आता था, तभी मुलाकात होती थी, तभी भी बातचीत होती थी, तो हमारे बीच बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग होता गया धीरे धीरे। और शूटिंग के दौरान भी वो रोज़ हाजिर रहती थी। ऐसा लगा कि हम बहुत सालों से जानते, जबकि हमारी मुलाकात सिर्फ एक महीने की थी, पर वो एक महीने की मुलाकात के दौरान ऐसा लगने लगा कि मैं कम से कम 10-15 सालों से इन भारती व्यास जी को जानता हूँ। बहुत अच्छा उनके साथ रिलेशन था। शूटिंग के बाद भी वो कम से कम 8 या 10 दिन के बाद मुझे कॉल किया ही करती थी और हम बात करते थे बहुत अच्छी। अफसोस है आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहे। अमरीका स्थित उनके भतीजे डॉक्टर चेतन व्यास ने भावनात्मक उद्गार व्यक्त किए। भारती व्यास का क्या कहें हम, प्यार से उसे हम भा बुलाते थे और आज भी वही भा हर रोज याद आती है। मैं छोटा था तब रोना आता था मुझे, वो गोद में बिठाकर माँ की तरह बातें करती थी, हंसाती थी, गाना गाती थी तो उदासी दूर हो जाती थी। मैं तब बड़ा होकर अमेरिका चला गया, लेकिन उसका मधुर स्वभाव, उसका गाना सदा साथ रहता था। मेरी नन्ही बेटी जब रोती थी तो बाकी कैसेट लगा कर वो शांत हो जाती थी, हंसने लग जाती थी। भाग के खाने बनाने का शौक तो कुछ और भी था। मेरी दादी और मेरी माँ के साथ बैठ जाती थी और उसकी बातें सुनते सुनते खाना बन जाता था। वो स्वाद आज भी याद है, लेकिन उसको खाना बनाने का एक बहाना चाहिए था, पर उसे भी खाना खिलाने का शौक कुछ और ही था। राजकोट में तो पेंडा, पटेल आइसक्रीम, भेलपुरी, गांठिया, जलेबी, वो तो ठीक है, वो तो घर की बात है, लेकिन मुझे दिल्ली जाकर चांदनी चौक में छोला भटूरा खिलाना, बम्बई में के रुस्तम का आइसक्रीम खिलाना, बड़ौदा में भाखरवड़ी खिलाना और तो और शिकागो में पिज़्ज़ा खिलाना, वो क्या शौक था उसे। मुझे लगता है कि उसने आत्मीयता, सज्जनता, उदारता का पीएचडी किया है, जैसे वही उसके जीने की मंजिल थी। 2 साल बीत गए, लेकिन मेरे दिल में तो आज भी लता जी की वही गाना गूंजता रहता है जो उसने मेरे अंतिम बार मिलने पर दोहराई थी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, आज भी आंख बंद करो तो भा याद आ जाती है। मेरी प्यारी प्यारी भा, भारती बेन, चेतन व्यास, सुधीर व्यास, दीप्ति मेहता, रुचि पारेख का नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। वी लव यू बातू, वी भाव, वी मिस यू वेरी मच। फिल्म्स डिवीजन द्वारा समय समय पर तैयार की गई न्यूज रील मुख्य फिल्म शुरू होने से पहले देश के हर सिनेमा हॉल में दिखाई जाती थी। ऐसी कई न्यूज रील की गुजराती कमेंट्री भारती व्यास की आवाज़ में रिकॉर्ड करके गुजरात में प्रदर्शित की गई। मुंबई के मणि भवन स्थित गांधी फिल्म्स फाउंडेशन द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित लंबी डॉक्यूमेंट्री ऐसे बने गांधी का गुजराती संस्करण आ रीते बन्या गांधी की कमेंट्री भारती व्यास की आवाज़ में रिकॉर्ड करने के लिए वी शांताराम स्टूडियो 3 दिनों के लिए बुक किया गया। संस्था के अधिकारी श्री सुभाष जयकर की तब खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब भारती व्यास जी ने पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कमेंट्री केवल 1 दिन में ही पूरी कर दी।
सचमुच भारती व्यास किसी भी काम को गंभीरता से लेती थीं और लगन तथा जिम्मेदारी से उसे पूरा करती थीं। 18 जनवरी 2019 को हिंदी फीचर फिल्म वो जो था एक मसीहा मौलाना आजाद के थिएटर रिलीज के मौके पर स्वयं भारती जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। लगता है कि मैं क्या बोलूं, समझ भी नहीं आता है, क्योंकि विषय भी ऐसा है कि पाकिस्तान की लाइफ, वहाँ के बारे में, जब पाकिस्तान हो रहा है वो सीधा सुनते थे, हमें सुनता है तो पाकिस्तान होगा तो होगा, हमें क्या 8-9 साल की उम्र में हिंदुस्तान पाकिस्तान समझ में नहीं आता था। इसके बाद जब कब हुआ कि वो घर सर सामान लेके निकलना है, तब हमने खाना पीना छोड़ दिया, नहीं हम नहीं खाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, रोज रोना रोना होता था। अल्टीमेटली निकलना पड़ा, स्टीमर में रात भर बैठे बैठे निकाले, क्योंकि सोना नहीं था, ये पाकिस्तान कराची छोड़ना मुश्किल था। आज भी लगता है कि कुछ कहीं नक्शा होता है सीधा देखते कराची क्या है, कराची कहाँ है। इवन वहाँ तक मेरी रेडियो की सर्विस के दौरान मुझे युद्ध का भी 65 वॉर का भी पता चला, तब तो मेरी ड्यूटी भी लगती थी। तब तो सोचते थे पाकिस्तान के प्लेन जो यहाँ आते हैं कोई हमें भी ले जाए, वहाँ से अनाउंसमेंट होती थी कि ये जो अनाउंसर हैं उनको पकड़ के लाओ, घर में बाल बच्चे थे रोते थे, वो पकड़ के ले जाएगा, फिर हम कहते नहीं पकड़ोगे, हिंदुस्तान में भी हम सलामत हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का लगाव जो आज तक है कि अगर अकेले बैठे बैठे तो आँख में पानी आ जाता है, कराची की लाइफ, और हिंदू मुस्लिम की बात करें तो हमें याद नहीं मुसलमान क्या होते थे, खान पान का धर्म सब अपना अपना रखते थे। तब हमें लगता है पाकिस्तान होने के बाद हिंदू मुस्लिम क्या है, और आज भी उसकी चुभन रहती है कि क्यों ये बंटवारा हुआ, बंटवारा नहीं करना चाहिए था। आज भी लगता है कोई भी देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए। इस तरह देश के बंटवारे का दर्द लिए भारती व्यास गुप्ता जी की जीवन नैया किनारे आ लगी। आलो ने कोयल अपना